कितनी खूबसूरत गिलहरी आई है सुबह सुबह, क्या करने आई हो आप? मुझे भूख लग रही है, इसको क्या चाहिए, क्या चाहिए? मैंने यहाँ पे चिड़ियों का दाना डाला था, ये पत्नी क्या चाहिए इसको? मुझे लग रहा है चिड़ियों का दाना खाई है शायद, मैं देखता हूँ अगर ये खाती है तो। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? हम आ गए हैं घर पे, इस वक्त बज रहे हैं 9। वैसे तो मैं आ गया था तकरीबन 6:30 बजे के करीब का, बट लेट के आज रिलैक्स कर रहा था क्योंकि आज आसिया ने बनाई है बिरयानी और इट्स सो गुड, दिख रही है आपको? ओए हाय हाय हाय, तो अभी मैं खाऊंगा बिरयानी। बिरयानी खाने के बाद आराम करेंगे और तब तक सुबह तक आप लोगों के सवाल आपके जवाब बात भी आ देंगे, तो वो हम इंशाल्लाह फिर सुबह आपके सवाल आपके जवाब आ देंगे। तो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं सुबह। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। अच्छा जी, आप लोगों के सवाल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुनोगुल ने कहा, नहीं भाई इट्स ओके, अच्छी बात है, बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आप मेरे क्वेश्चन का टाइटल बनाया, बिल्कुल आपकी ये बात बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आसानी हो जाती है क्योंकि देखिए मेरे पास भी रोज़ रोज़ तो कोई टॉपिक होता नहीं है, और अगर हो भी तो मेरे जहन में नहीं रहता या नहीं होता, तो मैं मेरी कोशिश होती है कि आपके कमेंट्स और आपके सवाल में से ही कोई एक टॉपिक को निकालूँ और उसके साथ फिर वो बनाऊँ। सुमैशा माशाल्लाह माशाल्लाह, कदीर भाई गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर, गुड इन्फॉर्मेशन। यमी फुलोरा, फुडोरा और वोल्ट में अकाउंट ओपन हो जाए तो क्या सिटी चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, हो जाती है, कोई इशू नहीं। कदीर भाई, मैं फिनलैंड में आने के बाद मैं स्पाउस वीज़ा पर बच्चों और बीवी आ सकते हैं, और स्पाउस वीज़ा कितने दिनों के बाद अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं, आप बुला सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कितने दिन वगैरह का कोई सीन नहीं है, इसके लिए आपकी इनकम डिपेंड करती है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम उस मार्क पे आ रही है जहाँ, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी इनकम अगर 1800 है, यूरो है यहाँ पे आके, और आपके दो बच्चे और एक बीवी और दो बच्चे हैं, तो फिर तो नहीं बुला सकते। आपको एटलीस्ट जो है कम से कम अराउंड जो है 2700-2800 तक की इनकम दिखानी पड़ेगी आपने, कि मेरी 2800-2900 या राउंड ऑफ करके 3000 कर लेते हैं, कमी है इससे, बट अगर 3000 इनकम कमा रहे तो फिर आप इनका वीज़ा डालेंगे कि भाई मैं 3000 इनकम कमा रहा हूँ, मैं अपने बीवी और बच्चों को यहाँ पे बुला के सपोर्ट कर सकता हूँ, उनको उनके एक्सपेंसेस को बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो मैं उनको बुला रहा हूँ, तो मिल जाती है। अगर इनकम आपकी नहीं है इतनी, तो फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर आप नहीं बुला सकते। अच्छा, ये ब्लॉग्स विद अब्दुल्ला ने कहा, भाईजान मांगा था मेरी वाइफ से बर्थडे सर्टिफिकेट जॉइंट एप्लीकेशन में, अब मांगते हैं, तो यही मैंने यही कहा कि यार देखो हमसे नहीं मांगा था, अगर किसी से मांगा तो नीचे बता दे, तो उन्होंने बता दिया कि आजकल मांग रहे हैं। तो जिन लोगों के पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, भाई वो बनवा लें जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, और बनवा के अपने पास रख लें। स्नोगोल ने कहा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगी कि यूएई के अलावा कोई और वे है वीज़ा लगवाने का, क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा कह रहा है कि अपॉइंटमेंट है और यूएई का वीज़ा नहीं, रिजेक्ट हो गया, इस पर इनफो दीजिए। यूएई का वीज़ा, यूएई के अलावा पाकिस्तानियों को और कहीं नहीं जा सकते वो, मतलब हाँ अगर जैसे कोई पाकिस्तानी सऊदी में जॉब कर रहा है तो वो वहाँ से फिर अप्लाई कर सकता है, फिनलैंड की एम्बेसी या कोई टर्की में है या कोई अजरबैजान में है, जहाँ जहाँ इनकी एम्बेसीज हैं, अगर वो वहाँ पे जॉब कर रहा है या वहीं रहता है पाकिस्तानी, तो वो वहाँ से अप्लाई कर सकता है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में है और पाकिस्तान वालों के लिए सिर्फ जो है वो यूएई ही जाना है उनको, वो नहीं होगा। हाँ अगर जॉब वॉब कर रहे हैं सऊदी के अंदर, दुबई के उसमें, अजरबैजान या तुर्की में, इस तरह से, तो आप वहाँ पे फिर उनके करीबी अपने VFS से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये होता है कि मैं तो यहीं रहता हूँ, तो जॉब यहीं करता हूँ, तो मैं तो यही एम्बेसी आऊँगा ना, तो ये होता है। कदीर भाई, मैं फिनलैंड में रेजिडेंस परमिट पर आ रहा हूँ, क्या मुझे वेयर हाउस या किसी फैक्ट्री से काम आसानी से मिल जाएगा? नूर भाई, आसानी से कुछ नहीं मिलता भाई, आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब्स को बहुत ढूंढना पड़ेगा, ये आसानी वाला सवाल ना, अब ऐसा है कि भाई ना पूछें। हसीब मुजम्मल ने कहा, सलाम ब्रदर, हमने पहले अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, अब दोबारा अप्लाई करने का कह रहे हैं, क्या दोबारा अप्लाई करना ठीक रहेगा? और एजेंट्स ये कह रहे हैं कि अब किसी और कंपनी में अप्लाई करें। यार आप
एजेंट्स को जानते हैं? अगर देखिए, अभी तो मुझे पता तो चला है कि कुछ कंपनीज जो है वो डिफॉल्ट हुई हैं, जिनके वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मतलब जिन्होंने अपॉइंटमेंट वगैरह दे दी थी, किसी ने इंटरव्यूज़ भी दे दिए थे, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट निकाल के भी दे दिया था, बट वो बाद में फिर कंपनीज में कुछ इश्यूज हो गए और वो कंपनी बंद हो गई या डिफ़ॉल्ट हो गई, तो उसकी वजह से जो है वो उनके वीज़े रुक गए। तो अगर आप वो बंदा अगर कोई कह रहा है तो मे बी पॉसिबल है सही कह रहा हो, क्योंकि ऐसा हुआ है। बाकी ये है कि अब अगर आपको लगता है कि यार वो बंदा ठीक है, अब वो कंपनी डिफॉल्ट हो गई तो उसका क्या कसूर है, तो वो कह रहा है कि भाई आप मैं किसी और कंपनी का दिलवा देता हूँ, तो ये टोटली आपके ऊपर डिसीजन है कि आपके पास पैसा है, आप चाहते हैं ये करना तो बिल्कुल कर लीजिए भाई। ठीक है, तो ये थे भाई मेरे आप लोगों के सवालात। इंशाल्लाह मुलाकात करता हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, मतलब नए व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।